अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और रात के तकरीबन 1:45 का टाइम हो रहा है। तो हमने सोचा था कि आज कैंट में आके सैरी का प्लान बनाते हैं कुछ रेल फैंस, तो सोचा स्टेशन पे भी कुछ वक्त गुजारा जाए। 13 अब अवाम एक्सप्रेस आ रही है कराची से चल के लाहौर जाने के लिए, उसको कैप्चर करते हैं बाद में, बात आपसे बाद में करते हैं। इसी के साथ दोस्तों 13 अब अवाम एक्सप्रेस मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर स्टेशन हो चुकी है, जिसको आज लीड कर रहा है ZCU-30-6301। ये पावर वैन देख सकते हैं, CNR पावर वैन लगाई हुई है। मुल्तान स्टेशन पे गहमा गहमी सहरी की शुरू हो चुकी है 13 अब अवाम एक्सप्रेस की। आप देख सकते हैं इसी के साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि अवाम एक्सप्रेस एक रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि कराची से चल के बरास्ता लाहौर पिशावर के लिए निकलती है, लेकिन इसके ज़्यादा स्टॉपेजेस होने की वजह से इसको इतना माकूल नहीं समझा जाता और इसके बरक्स तकरीबन जिन्होंने कराची से पिशावर तक का सफ़र करना होता है वो ज़्यादातर 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस को चूज़ करते हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि उसके एक तो स्टॉपेजेस कम है और दूसरा वो रास्ता फैसलाबाद के रास्ते जाती है। चलिए लोकोमोटिव के पास चलते हैं और उसका विजिट कराते हैं। आप देख सकते हैं ZCU-30 सेकेंड लोको पायलट। अब अवाम एक्सप्रेस रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम मुल्तान कैंट। ड्राइवर साहब भी पहुंच चुके हैं, लोकोमोटिव के अंदर जा रहे हैं। तो 13 अब अवाम एक्सप्रेस कराची से चल के रहीमयार ख़ान मुल्तान से होती हुई अब लाहौर के लिए रवाना हो रही है।
दोस्तों इसी के साथ 13 अब अवाम एक्सप्रेस मुल्तानगंज से निकल चुकी है और इसी के साथ पीछे मुझे लोकोमोटिव की एक और लाइट विजिबल नजर आ रही है। सो लेट्स सी कौन सी ट्रेन होती है। तो गाइस ये लोकोमोटिव है, रात में अक्सर ऐसा धोखा हो जाता है। जिसको हम ट्रेन समझ रहे थे वो LHF मोड HJMU-30 लोकोमोटिव रिहर्सल पे है। इसने 12 टाउन हजारा एक्सप्रेस के लिए रेडी हो रहा है। 8206 HJMU-30 लोकोमोटिव लॉन्ग हुड फॉरवर्ड मोड में मुल्तान लोको शेड के अंदर इंटर हो रहा है।